नमस्कार मैं गिरीश कुमार तिवारी डीएलएड कार्यक्रम के इस चर्चा सत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ आज हमारे साथ हमार, हमारे हमारे स्टूडियो में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र शाखा में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी जी मौजूद हैं डॉक्टर तिवारी मैं आपका भी स्वागत करता हूँ नमस्कार गिरीश जी और सभी दर्शकों को नमस्कार आज के हमारे चर्चा का विषय है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि चर्चा के आरंभ में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस पद का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद की संकल्पना क्या है या इसकी अवधारणा क्या है जी गिरीश जी मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सतत और व्यापक मूल्यांकन एक नवीन पहल है शिक्षा के क्षेत्र में पहले जिस प्रकार का मूल्यांकन होता था वो सत्र के अंत में जब अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती थी उस समय होता था और एक रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थियों को दिया जाता था जिसमें वो पास हुआ या फेल हुआ वो या वो किस श्रेणी में पास हुआ यह ब्यौरा लिखा होता था लेकिन यह पूरी मूल्यांकन की प्रक्रिया कहीं भी उस बच्चे के अधिगम को और अधिक मजबूत बनाने की में आ, सहायता नहीं देती थी इसी को दूर करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली आई यह मूल रूप से अधिगम को केंद्रित करके बात करने वाली प्रणाली है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की वह प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं उसका ज्ञानात्मक पक्ष उसका भावात्मक पक्ष उसका कौशल संबंधी पक्ष और साथ ही शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यचर्या के क्षेत्र अथवा विषय सापेक्ष क्षेत्र शामिल होते हैं जबकि सह शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल सह पाठ्यचर्या अभिवृत्तियाँ और मूल्य भी शामिल होते हैं अर्थात एक बच्चे के एक विद्यार्थी के विकास के हर एक पक्ष को ध्यान में रखा जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन में जी जो मूल्यांकन की प्राचीन प्रणाली थी वो सिर्फ बौद्धिक स्तर के मूल्यांकन तक सीमित हो जाती थी ज्ञानात्मक स्तर तक के मूल्यांकन तक सीमित हो जाती थी वो व्यक्ति के भावात्मक पक्ष उसके कौशल संबंधी पक्ष उसमें संवेदनाओं के विकास आदि को स्थान उस पुरानी मूल्यांकन प्रणाली में नहीं थी जबकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में इन सारे पहलुओं का ध्यान रखा जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन में शब्द सतत से आशय विद्यार्थियों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का निरंतर मूल्यांकन करने पर बल देने से है जो एक घटना की बजाय एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है एक बालक का विकास निरंतर होता है जन्म लेने से लेकर और मृत्यु पर्यंत वृद्धि तो एक खास उम्र तक चलती है लेकिन विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है खासकर जब वो स्कूली एज में होता है तो विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है तो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निहित है जिसका विस्तार संपूर्ण शैक्षिक सत्र में होता है यह सिर्फ सत्र के अंत में नहीं होता बल्कि पूरे सत्र चलता है लगातार चलता है जी। इसका अर्थ है निरंतर आकलन इकाई परीक्षा की आवृत्ति एक बार की परीक्षा सत्रांत परीक्षा नहीं बल्कि हर एक इक इकाई के सीखने के बाद एक परीक्षा और वह इस आशय से कि उस इकाई में किन किन बिंदुओं को कोई विद्यार्थी सीख पाया और कहाँ सीख पाने में कमी रह गई ताकि उसके हिसाब से शिक्षक अपनी व्यवस्थाओं को बदले और अधिगम घटित हो यह एश्योर करें अधिगम के अंतरालों में निदानात्मक आकलन भी होता है और सुधारात्मक उपायों का उपयोग भी किया जाता है इसके अंतर्गत पुनः परीक्षा का संपादन होता है और इसके द्वारा स्वयं का भी मूल्यांकन होता है विद्यार्थी अपना मूल्यांकन करता है और शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है कि वो जिस शिक्षण प्रक्रिया में संलग्न था जिस डिज़ाइन को उसने बनाया था पढ़ाने के लिए वो कितना सफल रहा और उसे किन किन पहलुओं पे अपने डिजाइन में परिवर्तन करना होगा जी। व्यापक शब्द से आशय है छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा तो सहशैक्षिक दोनों ही पक्ष विद्यार्थी की क्षमताएं मनोवृत्तियां और अभिरुचियां अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती हैं और यह एक शिक्षक तब जानता है जब वो विद्यार्थी के निकट लगातार एक खास प्रक्रिया के तहत उसके गुणों का अवलोकन करते रहता है और अतः इसे समझने के लिए विभिन्न साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग हेतु तो परीक्षण और गैर परीक्षण दोनों परिस्थितियों में देखा जा सकता है कुछ परीक्षणों का प्रशासन शिक्षक करते हैं और कुछ वो साथ में जो ऑब्जर्वेशन करते हैं विद्यार्थी का उस दौरान भी चीज़ें उभर कर आती हैं और ये दोनों का उपयोग वो सतत और व्यापक मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में करता है सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो लक्ष्य है वो जिन जिन अधिगम क्षेत्रों का विकास वो करना चाहता है उनमें से है ज्ञानात्मक क्षेत्र जिसके अंतर्गत ज्ञान है बोध है अनुप्रयोग जो उसने सीखा है वो विभिन्न परिस्थितियों में कैसे उसे प्रयोग करे विश्लेषण की क्षमता संश्लेषण की क्षमता मूल्यांकन की क्षमता और सृजन की क्षमता कुछ नया कैसे वो बना सकता है कुछ नया क्रिएट करने की जो क्षमता है ये सारे पक्ष सतत और व्यापक मूल्यांकन के दायरे में आते हैं साथ ही भावात्मक पक्ष भी आता है जिसमें संवेदनाओं का विकास संवेदनाओं की समझ संवेदनाओं पर नियंत्रण आदि भी है और कौशल संबंधी भी पक्ष आते हैं जिसमें कौशलात्मक सारे सारे गुणों का विकास होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जीवन के सारे पहलुओं पर ध्यान रखता है जबकि जो सत्रांत परीक्षा परंपरागत मूल्यांकन में हम करते थे वो सिर्फ एक ज्ञानात्मक पक्ष को ही बल देता था शिक्षा के अधिकार कानून में भी सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए प्रावधान है शिक्षा के अधिकार कानून का अनुच्छेद 22 यह कहता है कि राज्य सरकार राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद जिसे एस भी कहते हैं या इसके समतुल्य किसी और संस्था को सेक्शन २९ के उद्देश्य से अकादमिक प्राधिकार बनाएगी एवं यह अकादमिक प्राधिकार जब भी पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन का निर्धारण करेगी तब वह आयु के अनुरूप पाठ्य वस्तु एवं पाठ्य पुस्तक के अनुरूप एवं अन्य अधिगम सामग्री का विकास करेगी साथ ही वो सेवाकालीन प्रशिक्षण डिजाइन भी करेगी और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु तो निर्देश तैयार करेगी तो इस आप देख सकते हैं कि इस शिक्षा अधिकार कानून 2009 में भी जो अनुच्छेद 22 के बिंदु संख्या दो का सी है वो सीधे तौर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का निर्देश जारी करने से संबंधित है शिक्षा के अधिकार कानून के अनुच्छेद दो एफ में भी एक बात कही गई है सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कि विद्यार्थियों के समेकित रिकॉर्ड का तात्पर्य है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित विद्यार्थी की प्रगति का रिकॉर्ड तो इस रूप में सतत और व्यापक मूल्यांकन को देखा जा सकता है डॉक्टर साहब चर्चा के दौरान आपने पारंपरिक मूल्यांकन प्रणाली की भी बात की तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि पारंपरिक मूल्यांकन प्रणाली और ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली इन दोनों में क्या भिन्नता है अंतर क्या है इन दोनों में इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपके समक्ष दोनों के अंक पत्रों को प्रस्तुत करना चाहूँगा जी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जी कि परंपरागत मूल्यांकन से संबंधित एक अंक पत्र है जिसमें अंकों का जिक्र है हर एक विषय में इंग्लिश में मैथमेटिक्स में फिजिक्स में क्या अंक प्राप्त हुआ है किसी बच्चे को और उस आधार पर उसे क्या ग्रेड दिया गया है वो अंकों का सिर्फ कन्वर्जन है ग्रेड में यह परंपरागत मूल्यांकन है दूसरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा जारी पत्र है जिसमें प्रत्येक विषय में उसने जो सीखा उसके आधार पर एक ग्रेड तो दिया ही गया है साथ ही एक दो लाइन का कमेंट भी है यह कमेंट है कि उसने उस क्षेत्र में क्या सीखा कितना सीखा तो ये जो ब्यौरा है यह विवरण है ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की खासियत है जो परंपरागत प्रणाली में नहीं है यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन सिर्फ यह नहीं बताता कि विद्यार्थियों ने विद्यार्थी में ज्ञान का कितना स्तर अर्जित किया है बल्कि यह भी बताता है कि उन्होंने क्या क्या सीखा और किस अनुपात में सीखा क्या विशेषताएं रहीं क्या कमियां रहीं तो हर एक पक्ष पर सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रकाश डालता है साथ ही वो शिक्षण कौशल सामाजिक कौशल अन्य कौशलों पर भी प्रकाश डालता है तो इस रूप में आप सतत और व्यापक मूल्यांकन और परंपरागत मूल्यांकन के अंतर को देख सकते हैं तो डॉक्टर साहब जैसा कि आपने बताया कि इसमें एक दो या तीन वाक्यों का कुछ टिप्पणी विद्यार्थियों के अंक या ग्रेड को देखते हुए की जाती है तो इस तरीके से क्या कोई और भी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं सतत व्यापक मूल्यांकन की जी सतत और व्यापक मूल्यांकन जैसा कि पूर्व में चर्चा हुई कि व्यक्तित्व के हर एक पक्ष को ध्यान में रखता है उसके ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पक्ष जिसमें ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन है जी. साथ ही भावात्मक पक्ष जो कि संवेदनाओं के विकास और संवेदनाओं की समझ से संबंधित है और कौशल परक पक्ष जो कि कौशलों के विकास से संबंधित है जबकि जो परंपरागत प्रणाली है मूल्यांकन की वो सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष तक ही सीमित है सीमित है जी। ये बहुत बड़ी विशेषता विशेषता है, विशेश्ता है।, है। जी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है आप इस संदर्भ में हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा बताएं सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के निरंतरता का ध्यान रख रखा जाता है जो इसकी विशेषता है पारंपरिक मूल्यांकन में निरंतरता का ध्यान नहीं होता है एक विद्यार्थी किस अनुपात में किस क्रम में सीख रहा है उसके अंतर्गत ज्ञान का विकास किस रूप में हो रहा है निरंतर ऑब्जर्व करना निरंतर उसका रिकॉर्ड करना ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की खासियत है जी। निरंतरता का अर्थ है शिक्षा के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निर्धारण जब विद्यार्थी विद्यालय में आता है तो एक आकलन उसका किया जाए कि विभिन्न विषयों में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पक्षों का संज्ञानात्मक भावात्मक कौशलात्मक उसकी स्थिति क्या है इसे स्थानापन्न मूल्यांकन कहा जाता है और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो मूल्यांकन होता है जो निर्धारण होता है वो दूसरा इसका पक्ष है जिसमें उन शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप मूल्यांकन किया जाता है जिन लक्ष्यों को उस आ, कक्षा विशेष के लिए तय किया गया है इस रूप में आप देख सकते हैं कि स्थानापन्न मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन दोनों सतत और व्यापक मूल्यांकन के परिसीमा में आते हैं रचनात्मक मूल्यांकन निरंतर होता है स्थानापन्न मूल्यांकन एक बार होता है ताकि वह तुलना किए जा सके कि निरंतर शिक्षण प्राप्त करने के उपरांत एक विद्यार्थी में किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं और इस क्रम में बहुविध तकनीकों का उपयोग किया जाता है वो औपचारिक रूप से भी होता है और अनौपचारिक रूप से भी निरंतरता का अर्थ है कार्य निष्पादन का निर्धारण जो यूनिट या अवधि के समाप्त होने पर बार बार किया जाता है जैसे एक पाठ एक यूनिट एक इकाई पढ़ाई गई और पढ़ाने के उपरांत जो सीखने का अवसर एक विद्यार्थी को मिला जिसमें उसने अपने ज्ञान की रचना की उसके आधार पर जब हम उसका परीक्षण करते हैं मूल्यांकन करते हैं तो ये पता चलता है कि उसने किस अनुपात में सीखा और यह एक इकाई के उपरांत होता है जबकि यह अवसर पारंपरिक मूल्यांकन में हमें प्राप्त नहीं हो पाता तो ये विशेषता है सतत और व्यापक मूल्यांकन की सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो व्यापक शब्द है जी ये संगठक बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी विकास के निर्धारण का ध्यान रखता है जिसमें हर एक पक्ष आता है इसमें विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का भी निर्धारण शामिल है शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यचर्या के क्षेत्र अथवा विषय सापेक्ष क्षेत्र शामिल होते हैं जबकि सह शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल सह पाठ्यचर्या संबंधित अभिवृत्तियां और वैल्यूज मूल्य आदि शामिल होते हैं। यह मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का इस्तेमाल कर अनौपचारिक और औपचारिक रूप से संपादित किया जाता है किसी एक विधि पर हमारी निर्भरता नहीं, नहीं। होती जबकि जो पारंपरिक मूल्यांकन है तो वो किसी एक विधि पर ही निर्भर होने के लिए बाध्य होता है क्योंकि उस समय मूल्यांकन कई विद्यार्थियों का एक साथ किया जाता है और खासकर पेपर पेंसिल मेथड प्रयोग जा किया जाता, जाता, जाता है यह स्वतंत्रता सतत और व्यापक मूल्यांकन में एक शिक्षक को है कि वो कई प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल कर अधिगम को निरंतर ऑब्जर्व कर सके किस प्रकार के परिवर्तन एक विद्यार्थी में हो रहे हैं उसको देख सके और जहां जहां परेशानियां हो रही हैं उन परेशानियों को पहचान कर दूर कर सकें सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक विशेषता है कि नैदानिक मूल्यांकन इकाई परीक्षा के समाप्त होने पर किया जाता है प्रत्येक इकाई के पढ़ाने के बाद या सीखने के अवसर उपलब्ध कराने के बाद एक नैदानिक मूल्यांकन होता है जिसके आधार पर यह पता चलता है कि किन किन जगहों पर विद्यार्थियों को सीखने में परेशानी हुई कुछ इकाइयों में निम्न स्तरीय कार्य निष्पादन के कारणों का भी पता लगाया जाता है और इस पता लगाने का जो तरीका है वो नैदानिक परीक्षण है और इसके बाद उपयुक्त रूप से हस्तक्षेप किया जाता है उपचारात्मक व्यवस्था की जाती है और तत्पश्चात पुनः परीक्षण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जिस उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गई थी क्या वो सार्थक रहा क्या उसने उस ज्ञान की रचना में विद्यार्थी का सहयोग किया यह भी पता लगाया जाता है यह विशेषता सतत और व्यापक मूल्यांकन की है जो अवसर पारंपरिक मूल्यांकन में हमें प्राप्त नहीं हो पाता सह शैक्षिक क्षेत्रों में मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के आधार पर बहुविध तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ये सतत और व्यापक मूल्यांकन को किया जाता है। किया जाता है जीवन कौशलों का मूल्यांकन इससे संबंधित विभिन्न सूचकों और जांच सूचियों के आधार पर किया जाता है क्योंकि जी। जीवन कौशल ऐसे हैं कि किसी खास पेपर पेंसिल तरीके से हम जीवन कौशलों का पता नहीं लगा, नहीं लगा, सकते।, लगा सकते हम भावात्मक पक्ष का बहुत हद तक पता नहीं लगा सकते इसलिए हमें अधिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है खासकर उन कौशलों को समझने के लिए जो सूचक हैं और उससे संबंधित जो जांच सूचियां हैं उसका इस्तेमाल एक शिक्षक सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत करता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की हमने बात की तो क्यों ना हम विद्यार्थियों को एन सी एफ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में क्या कहा गया जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है उसमें इस संदर्भ में क्या कहा गया है वो बता दें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का एक आधार पत्र ही परीक्षाओं के संदर्भ में है परीक्षा सुधार की वो बात कर रहा है मैं उस लाइन को बताना चाहता हूं जो एन के परीक्षा संबंधी आधार पत्र में दिया गया है जी एन कह रहा है कि बाह्य परीक्षाएं इक्कीसवीं शताब्दी के ज्ञान समाज में और नवाचारी समस्या समाधानकर्ताओं की आवश्यकता के लिए अधिकांशतः अनुपयुक्त तो होती है जी। यदि प्रश्न अच्छी तरह से तैयार न किए गए हों जो बहुधा होता है जी हम परीक्षाओं में बहुत अच्छे प्रश्न हमें मिलते हों या जरूरी नहीं है तो यदि प्रश्न अच्छी तरह से तैयार ना किए गए हों तो उनके लिए केवल रटने और याद करने की आवश्यकता होती है और ये विवेचन और विश्लेषण पार्श्विक मनन सृजनात्मकता और मूल्यांकन जैसे उच्च स्तर के कौशलों को जांचने में असफल रहते हैं सीधे तौर पे हम अपनी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखें तो ज्ञानात्मक स्तर की आलामा, के अलावा बाकी चीजों के वो मापन करने में सफल नहीं है साथ ही वो कहीं से भी सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जी तो यही इस बिंदु पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने प्रकाश डाला है साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में यह भी कहा जा रहा है कि बाह्य परीक्षाएं भिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को शिक्षा प्राप्ति के भिन्न प्रकार के वातावरण के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती और वे चिंता और दबाव का एक असाधारण स्तर उत्पन्न है, जो जिसके प्रेशर में कई विद्यार्थी आत्महत्या तक कर रहे हैं है। परीक्षाओं के दबाव जी जी एनसीएफ का इशारा इधर ही है जी इसलिए स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए एक कार्यात्मक और विश्वसनीय प्रणाली की आवश्यकता है यह पूरा इशारा सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर है और पारंपरिक मूल्यांकन से कैसे स्कूलों को और पूरी शिक्षाई आ, माहौल को निकलना चाहिए इस ओर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रकाश डाल रही है तो डॉक्टर साहब ऐसा भी हो सकता है कि ये इशारा हमें रह, हमारी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हो वो हमें इस बात की ओर इशारा कर रही है कि हमें निकलने से पहले जो हमारे भावी शिक्षक हैं जो शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं हम उन्हें यह बताएं कि यह जो पारंपरिक शिक्षण पद्धति है हमारे यहाँ और उसमें ये जो पारंपरिक मूल्यांकन पद्धति है उसमें क्या कमियां है क्यों हमें इससे निकलना चाहिए जी एन भी एन uh, ने भी इशारा किया इधर जी मैं समग्रता में पारंपरिक परीक्षा पद्धति की कमियों को रखना चाहूंगा जी कि यह विद्यालय शिक्षा के अंत में एक संरचित परीक्षा होती है जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है उसमें कहीं कोई बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं होती है कि बहुत बड़े बदलाव आप कर सकें जी यह मुख्यतः विद्यार्थियों के ज्ञान के केवल शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन करती है संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करती है यह बच्चों के की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन नहीं करती बच्चा हम कहते हैं कि स्कूल में सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास हम बच्चे का करेंगे लेकिन हम मूल्यांकन किस पक्ष का करते हैं तो सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष का क्या सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष ही पूरा व्यक्तित्व है आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जी नहीं व्यक्तित्व में संज्ञानात्मक पक्ष भावात्मक पक्ष कौशल पक्ष सारे पक्ष हैं तो जो पारंपरिक परीक्षा पद्धति है वो सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करती है सभी योग्यताओं का सभी पक्षों का मूल्यांकन नहीं कर पाती इसमें लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है और उन्हें पूर्व निर्धारित डिवीजनों या श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है तो जो बहुत ही एक सोचनीय विषय है कि कोई एक नंबर कम पाकर सेकेंड डिवीज़न हो जाएगा और कोई उतना ही एक नंबर पा फर्स्ट, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा डिवीजन प्रणाली भी अपने आप में बहुत ही सोचनीय विषय थी जिसपे काफी चिंतन किया गया और यह सतत और व्यापक मूल्यांकन का संप्रतय सामने।, सामने आया उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने की प्रणाली निराशा भी उत्पन्न करती है और यह अमानवीय है जी क्योंकि अनुत्तीर्ण उम्मीदवार यह महसूस करने लगता है कि वो उसमें बहुत कमियां हैं कमजोरियां हैं और वो किसी काबिल नहीं है इस तरह के भाव आ जाते उसकी उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने कम होता है और इसी दबाव में बहुत सारे विद्यार्थी आत्महत्या तक कर जी जी तो ये उन्नीत उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने की प्रणाली ये पारंपरिक मूल्यांकन प्रणाली का की बहुत बड़ी कमी है कमी है इसमें सह शैक्षिक क्षेत्रों की लगभग पूरी तरह से उपेक्षा कर दी जाती है और शिक्षा तथा मूल्यांकन की इस समय प्रचलित स्कीम में जो भी आ, पारंपरिक पद्धति है उसमें कहीं भी सह शैक्षिक क्षेत्रों की के लिए कोई स्थान नहीं स्थान है।, है। जी। कोई बच्चा संगीत में बहुत अच्छा है खेल कूद में बहुत अच्छा है लेकिन हमने अपनी पूरी मूल्यांकन प्रणाली में कहीं चेक ही नहीं किया कहीं देखा ही नहीं जी हमने कहा कि हम शिक्षा का मूल लक्ष्य है एक बेहतर इंसान बनाना जी जिसमें मानवीय संवेदनाएं हों लेकिन क्या मूल्यांकन प्रणाली में कहीं मानवीय संवेदनाओं के लिए कोई अंक दिया गया है नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल स्थान ही नहीं है ये बहुत ही मजेदार बात है सारी शिक्षा समितियों ने ये कहा कि एक अच्छा मानव बनाना है और हमने मूल्यांकन पद्धति में जगह नहीं दी उसको स्थान ही लेकिन नहीं सतत और व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन है जिसमें इस पक्ष का भी ध्यान रखा रखा है तो ये पारंपरिक परीक्षा पद्धति की बहुत बड़ी कमजोरी है इसके अंतर्गत मूल्यांकन की केवल सीमित तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिनमें विद्यार्थियों की परख करने की क्षमता नहीं होती। जी। जैसे एक पेपर पेंसिल टेस्ट कितनी चीजें जान पाएगा पेपर पेंसिल टेस्ट हो सकता है जिन सवालों को पूछा गया हो वो सवाल विद्यार्थी को आते हों और बाकी चीजें नहीं आती जी तो हमने तो जो नहीं आता है वो देखा नहीं या कोई व्यक्ति जिसे हमने फेल घोषित कर दिया वो बाकी चीजों में बहुत अच्छा है जी तो हमने जो जानता है यह पता करने का अवसर ही नहीं दिया मूल्यांकन प्रणाली में तो इस रूप में ये जो पारंपरिक परीक्षा पद्धति है जी। जो एक अच्छा पक्ष विद्यार्थी का है जहां जो जानता है उसकी बजाय इस पर ज्यादा बल देता है कि पूछा क्या जा रहा है उसका उत्तर वो कैसे करना है तो यह एक अधूरी अधूरी पद्धति है जो तो एक है। पक्ष का या बहुत छोटे पक्ष का की जानकारी इकट्ठा है मूल रूप से मूल्यांकन का लक्ष्य विद्यार्थी की गुणवत्ता को बढ़ाना है परंतु बाह्य परीक्षा द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो पाती बाह्य परीक्षा चूंकि सत्र के अंत में होती है जी तो इसमें यह पता लगाने का अवसर ही बाह्य परीक्षा के पास नहीं है कि किन किन बिंदुओं पे विद्यार्थी को सीखने में परेशानी हो रही है और उसे कैसे सिखाया जाए या कैसे उसको ज्ञान की रचना उस स्वयं कर सके ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाए अंक देने की मौजूदा पद्धति भी अत्यंत ही विसंगतिपूर्ण है किस आधार पर हम अंक दे रहे हैं किसी एक सवाल पे किसी को बीस अंक किसी को दस अंक जी और कोई बहुत ही हमारे पास एक फिक्स्ड मानदंड नहीं है जी साथ ही हम एक अंक की कमी से फेल कर रहे हैं या पास कर रहे हैं एक अंक कोई प्राप्त कर ले रहा है तो फर्स्ट डिवीज़न हो जा रहा है दूसरा सेकंड डिवीजन हो जा रहा है ये विसंगतिपूर्ण व्यवस्था है हमें इस रूप से ये देखना चाहिए कि उसने कंटेंट को सीखा या नहीं उसने ज्ञान की रचना की ही या नहीं यदि कोई परीक्षा प्रणाली कोई मूल्यांकन प्रणाली यह पता करने में असमर्थ रह रही है कि कोई बच्चा अपने ज्ञान का विकास ज्ञान की रचना वो कर पा रहा है या नहीं तो मूल्यांकन प्रणाली कहीं ना कहीं से विसंगतिपूर्ण है विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों की परिवर्तित श्रृंखला विश्वसनीय परिणाम घोषित करने में समस्या उत्पन्न करती है आप अंक पत्र में देखते हैं कि, कि किसी एक विषय में किसी का स्कोर हिस्ट्री में बीस है जी। और गणित में 80 है जी। या गणित में 20 है और हिस्ट्री में 80 है जी तो एक और हमारी पद्धति कह रही है कि वो बहुत ही मूर्ख है गलत उसने ज्ञान की रचना ही नहीं की और दूसरा विषय ये कह रहा है कि नहीं तो बहुत अच्छा है ये जो द्वैध द्वैध है ये, ये है।, है, है, है ये जो द्वंद है जी. ये इस पारंपरिक परीक्षा पद्धति की बहुत बड़ी कमी है जी. वो विषयों के हिसाब से अंक दे रहा है वो ओवरऑल एक बालक का कैसे विकास हो रहा है इस पर बात नहीं कर रहा पारंपरिक परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं की जाती हम कुछ अंक दे देते हैं और उस अंक के आधार पर रिजल्ट दे देते हैं जैसा कि पूर्व में मैंने दिखाने की कोशिश की एक ऐसा अंक पत्र एक ऐसा पत्र जिसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर अंकन किया हुआ था उसमें कुछ लाइनें थी कुछ वर्णन किया हुआ ताकि किसी दूसरे को यह समझ में आए कि उसने कैसे सीखा कितना सीखा क्या पक्ष नहीं सीख पाया यह पूरा ब्यौरा रहता है उसमें, जबकि पारंपरिक परीक्षा पद्धति के अंक पत्रों में नहीं रहता है। ऐसी व्यवस्था नहीं होती बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब आपने हम लोग को बताया हमारे दर्शकों को बताया कि पारंपरिक परीक्षा पद्धति की क्या कमियां हैं और इन कमियों के कारण जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता हमें पड़ी होगी तो मैं ये चाहूँगा कि आप अति संक्षेप में हमारे विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता पर रोशनी डालें और साथ ही साथ आप उन्हें संक्षेप में ही ये भी बता दें क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है अब चर्चा को समाप्त करने की तो संक्षेप में आप उन्हें यह भी बता दें कि कैसे एक शिक्षाई परिवेश में हम इसका उपयोग कर सकते हैं जी बिल्कुल सतत और व्यापक मूल्यांकन की जरूरत क्या है क्यों होना चाहिए इस विषय पर जब हम विचार करते हैं तो जो बिंदु सामने उभरते हैं यह बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम करता जी। है जैसा अभी हमने चर्चा की जी जी यह मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाता है जी निरंतर करता है सिर्फ सत्रांत में नहीं बल्कि पूरे सत्र में जी यह अध्यापक को सृजनात्मक अध्यापन हेतु प्रेरित करता है उन विधियों की तलाश एक अध्यापक करता है नए नई विधियों की तलाश करता है जिससे वो अपने विद्यार्थी में ज्ञान के सृजन को आसान बना सके निदान और उपचार के साधन की व्यवस्था भी करता है और अपेक्षाकृत अधिक कौशलों वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करता है तो इसलिए ये एक सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है और जिस रूप में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उपयोग होता है उनमें से कुछ को मैं रेखांकित करना चाहूंगा यह संज्ञानात्मक भावात्मक व कौशलात्मक विकास करने में सहायक है यह करने की परंपरा के स्थान पर जी. चिंतन की प्रक्रिया पर जोर है देता जोर देता है, है। यह मूल्यांकन को अधिगम की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है जी. सत्रांत परीक्षा अभिन्न अंग के रूप में नहीं होती जी जी लेकिन यह अभिन्न अंग के रूप में होता है इस मूल्यांकन का उपयोग नियमित निदान और इसके बाद उपचारात्मक अनुदेशन के आधार पर विद्यार्थियों की उपलब्धियों में सुधार लाना जी और शिक्षण की कार्यविधियों में भी आवश्यक सुधार लाना जी कार्य निष्पादन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए मूल्यांकन का उपयोग एक गुणवत्ता नियंत्रण साधन के रूप में भी किया जाता है वो जो लगातार बताता है कि जिस प्रक्रिया को हम अपना रहे हैं जी। वो ठीक है या नहीं गुणवत्तापूर्ण है या नहीं वो अधिगम उसके माध्यम से संपादित हो रहा है या नहीं जी किसी कार्यक्रम की सामाजिक उपयोगिता वांछनीयता अथवा प्रभावकारिता निर्धारित भी करने में सहयोग देता है यह शिक्षा प्राप्ति के वातावरण और शिक्षार्थी के शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया के निर्माण के बारे में भी उपयुक्त निर्णय लेने में सहायता करता है और अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित क्रियाकलाप बनाने में सहायता करता है जी. जिसके माध्यम से शिक्षार्थी बेहतर ज्ञान की रचना कर सके साथ ही यह विभिन्न विषय क्षेत्रों के संबंध में वांछित कौशल सीखने और प्राप्त करने में सहयोग करता है विभिन्न विषय क्षेत्रों में अपेक्षित मात्रा में सफलता का स्तर प्राप्त करने में सहयोग करता है जी। और बच्चे के वैयक्तिक कौशलों रुचियों अभिवृत्तियों और अभिप्रेरण के विकास में भी सहयोग करता है एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन का अर्थ समझने में भी सहयोग करता है और समय समय पर बच्चे के ज्ञान आचरण और प्रगति में होने वाले परिवर्तनों को भी रेखांकित करता है तो इस रूप में एक सतत और व्यापक मूल्यांकन पूरे शिक्षाई परिवेश में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता, निभाता है, है। धन्यवाद डॉक्टर तिवारी आपने बड़े ही अच्छे ढंग से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सम्प्रत्यय को हमारे दर्शकों को बताया जिसमें आपने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना उसकी विशेषताएं, पारंपरिक शिक्षण की कमियां, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता साथ में एन ने क्या कहा है इस संदर्भ में इन सारी बातों को बताया और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी दर्शकों को भी धन्यवाद सभी दर्शकों को नमस्कार